Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. This is me, Sumbultala Pasha. कैसे आप सब? और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी पूरी अपनी रेसिपी पाए की, जो कि मेरी अम्मी मेरी सास बनाती थी, और वो रेसिपी पूरी सना बाजी आज खुद आके मेरे घर बनाएंगी, क्योंकि कल घर पे बहुत बड़ी दावत है, तो पूरी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। जिस तरह मौसम का फल आता है ना, इस तरह मौसम का जो फूड है, पाए पाए, और पाए भी बड़े के पाए, छोटे के पाए तो हम जब भी इधर उधर जाते हैं कसाई के ला के पका लेते हैं, लेकिन बड़े के पाए बड़े एहतमाम के साथ हैं, खाए भी जाते हैं और पकाए भी जाते हैं। तो आज हम वही तरीका आजमा रहे हैं, हमारी बेटी उसे पका रही है सिना, और इंशाअल्लाह ताला खाते वक्त आधा खानदान जमा होगा, और उनके साथ मिल के खाने में जो मज़ा इस पाए का है ना, वो नहीं किसी और चीज़ का, या हलीम या पाए। तो अभी सीजन जो है ना, वो चीख चीख के कह रहा है पाए पाए पाए, हलीम नहीं हो सकता, लिहाजा कल इंशाअल्लाह ताला पाए का समा होगा। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन जो मैंने पाए बनाए थे, अगर आप मेरा भी ब्लॉग में देखा हो तो आज उसकी सबने, क्योंकि कहा था रेसिपी देखनी है तो हम आपको रेसिपी दिखा रहे हैं। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है, और उनकी याद में मैं आप हर वक्त जो भी मुझे कहता है मैं आपके उसके लिए बनाती हूँ, और मैं अपने घर भी बनाती हूँ। चांद का पाया मसाला, इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ये मेन इंग्रेडिएंट। कितने लिए आपने ये? क्योंकि ये 6 पाए हैं तो मैंने 5 डब्बे लिए हैं। मैं 4 डालूंगी, देखूंगी बहुत ज़्यादा मिर्चें कम ज़्यादा होंगी तो फिर 5 और डालूंगी। ये रहे पाए। अच्छा, पायों को मैंने जो है ना इस तरह करके खुलवा लिया है, पूरे पूरे भी हैं और इस तरह भी हैं, तो इससे जो ये इसका मैरो होता है ना, ये अंदर पकता है, बहुत मज़ेदार फिर फ्लेवर आता है। ये 6 पाए हैं गाय के, और ये 2 किलो बॉम डाली है इसमें। हालांकि मैंने इन लोगों को कहा था कि बॉम जो है उसके बड़े बड़े बूटे ले लें, उन्होंने वो करवा दिए। बहरहाल इसको ये यूज करेंगे। अच्छा, बस एक बार बता दे, बॉन्ग कितनी है, कितनी लिए, और पाए कितने? पाए 6 बड़े पाए, 6 बड़े पाए, बड़े गाय के पाए। और ये है अदरक लहसुन, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसी से सारी बदबू और ये सब जाएगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं और डालेंगे। और नमक एडजस्ट कर लेंगे, वैसे तो मसालों में होता है, लेकिन हम बाद में डाल के देखेंगे। ये आखिर में डलेगा, दिस इज गरम मसाला। तो सबसे पहले पाए लिए। इसकी आवाज आ रही है वीडियो में। और ये पतीला, इसमें आराम से बन जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। और ये अम्मी की रेसिपी से आप बना रही है ना? हाँ जी, स्पेशलिटी। अम्मी 100 लोगों की दावत करती थी, आज कल तो हमारे 40, मतलब पापा के 40 लोगों की दावत है, लेकिन मम्मा जो है वो 100 लोगों की दावत किया करती थी। सिनाबारी स्पेशली अपने घर से बनाने के लिए आई है अभी। अच्छा, सबसे पहले बगैर कोई तेल कुछ भी डाले हुए हम सारे पाए इसमें, कोई तेल नहीं डाला है। ठीक है, देखो पूरा पाया भी है तो बराबर। अभी हाँ, खोल के रखिए, और हम डालेंगे अदरक और लहसुन ढेर सारा। समझे, फिलहाल आधा आधा डब्बा जो डाली नहीं है। इससे क्या फायदे होते हैं ज्यादा डालने से? बदबू जाएगी, सिर्फ इसी चीज से बदबू जाएगी, ठीक जो है। हमने अभी तेल भी नहीं डाला, अभी हमको ये डाल के और इन पायों का पानी ड्राई करना है, ये है असल चीज। गैस जो है वो ध्यान है, कोई चीज पकड़ने का दीजिए। जी। अच्छा सुनाओ जी, कुछ लोग घर के मसालों में भी बनाते हैं ना? सबका अपना तरीका होता है, घर के मसालों में भी बना सकते हैं। पाए बनाने के भी बतेरे तरीके, मैं तो इंटरनेट पे देख रही थी, कोई लोग बिल्कुल सालन की तरह बनाते हैं, प्याज अदरक लहसुन पूरी करी बनाते हैं और फिर पाए को करते हैं, कोई लोग यखनी की तरह बनाते हैं कि पूरी यखनी बना दी और उसके साथ फिर रोक दिया। मुझे लगता है कि हमारी जो रेसिपी है ये तरह से पायों का सूप है मसाले के साथ, इसमें कोई प्याज व्याज वैसे नहीं डालती, ऊपर से भगार में डलता है, लेकिन ये कि वैसे कोई प्याज वगैरह नहीं डालेगा, अदरक लहसुन और मसाले, पाया मसाले।
तो ये चूल्हा जो है ना वही ध्यान से चल रहा है। पाए पकाने की सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि गैस आपके यहाँ प्रॉपर आ रही है, और जो आजकल हालात चल रहे हैं गैस नहीं पानी। इतना सारा अदरक लहसुन डलेगा ताकि जो हीक और स्मेल रह जाती है वो सारी जाएगी इसी से। आयो को धोया हुआ था खूब अच्छे जी जी चाचू साफ करना हो तो पायों के ऊपर आटा छिड़क के छोड़ दे थोड़ी देर, जब ड्राई हो जाएगा तो हाथों से मसल के ताकि बाल जैसे वैक्सीन पायों की वैक्सीन करते हैं। हाँ ये अच्छा अच्छी टिप है, यही तरीका है, उससे कोई भी बाल या कोई भी वो नहीं रहती, सब हट जाती जी। और वही हुआ जिसका डर था, गैस ने हमें धोखा दे दिया है, तो हमने ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है, सुमुल के घर से हमने सिलेंडर मंगाया है और जो है वो हम सिलेंडर के चूल्हे पे पाए पक रहे हैं। ये देखें कितना सारा पानी जो है इसका छूट रहा है, ये है हमारा टारगेट कि इस पानी को बिल्कुल सुखाया जाए, बिल्कुल ड्राई करेंगे तो ये पाए जो है बिल्कुल। उसे कितना टाइम लगेगा ड्राई होने में? ये ड्राई होने में आधे घंटा लग जाएगा, लगेगा अच्छी तरह से, यही असल मेहनत है, उसके बाद तो पानी ने अपना काम खुद करना है। ये ड्राई हो जाएगा ना तो फिर बदबू सब निकल गई, कुछ जो भाप है ना इसमें बदबू जा रही है, तो हीट वाला खत्म हो जाएगा। अभी अब इसमें डल रहा है तेल, ये देखिए इसके निशानी ये है कि ये देखिए यहाँ से ये लगना और ये सब स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब है कि पानी इसका सूख रहा है। तकरीबन कितना डालेंगे हम तेल? तेल समझो ये तकरीबन अंदाजा बस एक किलो तो है। अच्छा इस बोतल से डाला है? हाँ इस बोतल से डाला है, ये भरी भी थी हाँ यहाँ तक समझो कि ये 250 ग्राम तेल डाला है मेरा, 250 ग्राम एक पाव तेल डाला है ये भूनने के बाद, और इसमें फिर हमने 250 ग्राम तेल डाला है। अब हम पायों को भूना है, भुनाई करेंगे तेल के अंदर फ्राई करेंगे। तेल में जब उबाल आएगा प्रॉपर फिर फ्राई करेंगे, बस जो ये यहाँ से मसाला वो लग गया था अदरक लहसुन को लेकर बड़े बड़े दें बड़ा निहारी की तरह, क्योंकि इसको निकालना होगा। ये कितनी थी बॉम्ब से? 2 किलो बॉम्ब डाल। अच्छा ये भूनने के बाद आपने बॉम्ब इसमें ऐड कर दी? बॉम्ब तो बस मुंह के जायके के लिए, असल तो मजा ये पायों का होता है। पाया मसाला डल रहा है, एक भाई पाया मसाला डल रहा है, डालते जाए एक एक डालते जाए, एक डाल के भाग जाते हैं। पांच आए ये दूसरा, ये दो फैला के डाल दो, दो चार डाल दें, मैं मसाला चेक करूं फिर पांच डाल। जी 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 ये तीन, कितने पैकेट डाले आपने? अभी चार डाले हैं, मसाला चेक करेंगे। वो वाले अच्छा जो आते हैं तो सलाम कर दूँगा। मूली लंबी लंबी काटना, लंबी ठीक है, मैं डिप बना के मूली काम पड़ता है। ये कितना पानी डाला था? ये समझो कि ये कितने का है? 2-3 2 लीटर डालेगी, 2 लीटर का है ये समझो, 4 लीटर डलेगा पानी ऊपर तक भरना है पूरा ना। जो शरीर उसको हटा देंगे, रंग देखें कैसा खूबसूरत है, माशाल्लाह प्यार आ गया, ये अम्मी का रंग आ गया, अम्मी का अभी अम्मी वाला टच तो आ। डालते जाओ मैं बताऊँ,
नमक का बहुत ध्यान रखना है। शर्मा जी कितनी दाल पानी कितना डाला है? तकरीबन 4 लीटर डाला है। 4 लीटर पाए अच्छे से कवर हो जाए, अभी हो सकता है और डालते जाएं। कल अभी तक प्यारा हो गया, हो सकता है कि जब ये सूखता जाएगा तो और डालते जाएंगे। अब इसमें से बॉम्ब ढूंढना 1000 हो जाएगा। बड़े बड़े जब इसमें बॉयल आ जाएगा हम फिर क्या करेंगे? नमक चखेंगे, नमक एडजस्ट करेंगे और बस पकने छोड़ देंगे। फिर अपना काम पाए, अपना काम खुद करेंगे। फिर बस ये के 3 बजे ये बॉम्ब इस तरह की जो ना आपने लैदा कर देनी है। इसमें कांटा डालोगे तो आर पार हो जाए, बस इतनी गली होनी चाहिए। एक बॉम्ब, ये दो, ठीक है ना, पता चल जाएगा साफ। ये बॉम्ब फिर हम इसको ऊपर रख देंगे चूल्हे पे, क्या पता गैस आ जाएगा। गैस आ गई हमारी, इसको बंद कर, मैं इसे बंद करता हूं। पहले यहाँ से क्या करो चाचू? हमें आ गया ना गैस, यहाँ से करो। आ गया, शुक्र। वहाँ से बंद करो भाई। पाए चढ़ चुके हैं, अब वो अपना काम खुद करेंगे। तो बीच में रात में उठ के ये बॉम्ब उसमें से निकाल लेंगे, बाकी पाए जो है वो सुबह 6:30 तक गलेंगे। तल्ला साहब जो है अपनी चेक कर लेंगे वो, और सुबह आके गरम मसाला मैं ऑफिस जाने से पहले उसमें मिला दूंगी। ठीक है, अब तल्हा देख लेंगे ना। हाँ, तल्हा ओवर टू यू। जब उसको देखना है तो हमें पाए की खुशबू से इतनी भूख लगी कि मैंने कहा चलो यार पिज्जा खाते हैं। तो हमने पिज्जा मैक्स से पिज्जा मंगाया, ये रहा पिज्जा। और सुमर को बहुत भूख लगी थी, सुमर को पसंदीदा ये चीज है। अबू से पूछ लें, अबू को भी देखें। पूछ लेता हूँ। बहुत जबरदस्त डील लगी हुई, आप सब भी ट्राई करिएगा। ये चीज़ ही गार्लिक सुमर को बहुत पसंद है, मुझे भी। दिखाइएगा एक बार, ये हटा के ये रेडी हो गए ना पाए। ये हो गए आप क्या रेडी टू ईट। तो और जो लोग आएंगे इंशाल्लाह आज रात को, वो पाए खाएंगे हमारे चटपटे पाए, शॉर्ट रेसिपी वाले। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको मिलेंगे कल, मतलब कि आज हो गई ना। हाँ, आज रात को इंशाल्लाह मिलेंगे। पाए रेडी हैं? पाए रेडी हैं। तो ये दिल कर रहा है यार मैं भी खा लूँ, लेकिन अब तो तंदूर वाली रोटी भी नहीं मिलेगी अब तो। ठीक बज रहे तो नहीं, थोड़ा सा होले होले सब्र रखो पाजी। तो फिर इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे आज रात को सबके साथ, मेरे दादिया, मेरी बड़ी अम्मी, मेरे जितने भी कजन्स वगैरह सब इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे। तो फिर जाते जाते हम कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, खुदा। Thank you.